नमस्कार, सेक्स पावर वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर दवे। अगर आपके मन में कोई भ्रांतियाँ है तो ये वीडियो देखने के बाद वो सेक्स भ्रांति दूर हो जाएगी, और अगर उस भ्रांति से जुड़े हुए आपके जीवन में कोई सेक्स समस्या है तो वो भी दूर हो जाएगी। तो चलिए हमारे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे आज का सवाल मीरा रोड से अरबाज पूछते हैं। सर जी, पहली बार जब मैं संभोग करता हूँ यानी कि सेक्स करता हूँ तो वीर्य की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि उसमें जो शुक्राणु है वो भी ज़्यादा होंगे, तो क्या दूसरी बार जब मैं एक घंटे के बाद संभोग करता हूँ तो मेरे वीर्य में क्या उतने ही शुक्राणु होंगे? तो अरबाज, आपका सवाल का जवाब देते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब आप पहली बार संभोग करते हैं तो वीर्य की मात्रा भी ज़्यादा होती है और उसमें शुक्राणु की मात्रा भी ज़्यादा होती है। थोड़ी देर के बाद यानी कि जब आप कहते हैं एक डेढ़ घंटे के बाद जब आप दूसरी बार संभोग करते हैं तो वीर्य की मात्रा भी कम होती है और उसमें शुक्राणु की मात्रा भी कम होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरी बार जब आप संभोग करें तो आपके वीर्य की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी पहली बार हो, तो इसके लिए आपको कम से कम 24 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। 24 घंटे के बाद वीर्य की मात्रा उतनी ही हो जाती है जितनी पहली बार संभोग के वक्त होती है, और वीर्य में जो शुक्राणु होते हैं उसकी संख्या भी उतनी हो जाती है। तो उम्मीद है कि इससे आपके सवाल का जवाब मैंने सही तरीके से दिया हुआ है। अगर आपके मन में कोई भी सेक्स से जुड़ा हुआ सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हैं। मेरा क्लिनिक का पता है DN नगर, अंधेरी वेस्ट, अपोजिट DN नगर मेट्रो स्टेशन, और आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है डॉक्टर दवे 9920655464। नमस्ते, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।